और आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल करम से पंद्रहवा रोजा जो है उसकी इफ्तार है, और जैसे ही उसकी इफ्तार होगी द हाफ ऑफ रमजान निसफ रमजान अल मुबारक जो है वो गुजर जाएगा। माशाल्लाह से बड़े अच्छे रोजे गुजरे, बहुत आला गुजरे, मेरे व्लॉग्स भी बीच में आते रहे आप देख सकते हैं। और अभी तो इफ्तारी का सीन कुछ यूँ है कि आज इफ्तार के वक्त वैसे गैस नहीं आती क्योंकि लोग कंप्रेसर लगा लेते हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि देखे ना बाद में फिर क्यों आ जाती है, अगर पीछे से बंद हुई फिर बाद में भी ना आए, मगर आज गैस आ रही है। देखिए जरा आप देख सकते हैं कि गैस नहीं आ रही, लोग आए। मैं आपसे तारीफ कर रहा था कि आज इस वक्त गैस आ रही है और गैस नहीं आ रही, जैसे ही मैं कैमरा लेके आया मैं बड़ा कैमरा लेके पहुंचा था चूल्हे के पास, जी गैस आ रही होगी और गैस नहीं आ रही, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। और दूसरा ये कि जितनी गैस आ रही थी माशाल्लाह से उतने रोल बन चुके हैं, और दूसरा ये देखें आप ये बर्नर जो है ऑफ है, ये देखें ये ऑन के गैस अभी नहीं आ रही, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि कितने खुदगर्ज पाकिस्तानी है, कितने खुदगर्ज पाकिस्तानी है जो अपनी इफ्तार की खातिर कंप्रेसर लगा लेते हैं और हमसाय का हक मार लेते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इसका कोई हल किया जाए। चले फिलहाल अब जितने चीजें तल गई वो तो हम खाएंगे इफ्तार के इंतजार में, इफ्तार की जब मेज लग जाएगी फिर आपसे मिलते हैं। रोजा खुल गया है, एक खजूर पहले ही खा चुका हूँ, मैंने कहा एक ये आप देख सकते हैं रोल है, कतले हैं, शरबत है, और ये दूध है। अब इफ्तारी करते हैं फिर बाद में आपसे मिलते हैं। सो गाइस इफ्तारी हो गई है, अब चलते हैं नमाज पढ़ने। अच्छा तो गाइस मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ और जूस चल रहा है, इफ्तारी मैंने पिया, मैंने कहा पी लेते हैं, तो बड़ा अच्छा है यार। गुड। अच्छा तो गाइस बात कुछ है कि मैं तरावियां पढ़ने इस पहले की जाता कि मुझे कहा गया कि दिन ला दो, चलिए दिन ला चलते भाई, सो का दिन कर दो। गाइस देने की जो है मैं आ चुका हूँ, और अब जाहिर है तरावियों का टाइम है, तरावियां पढ़ने चलते हैं फिर बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस आज माशाल्लाह से सहरी जो है स्टार्ट हो चुकी है 16वें रोजे की, और सहरी में आया पराठे दही और गोभी, शरबत भी है। सारी सहरी करने के बाद में आपसे मिलते हैं। सहरी वाली हमने कर ली है, अब ये ट्रांसमिशन लगी है देखते हैं पहली तस्वीर कौन सी है भाई, ये कौन है ईरान नाथखुआ, ये कौन सी नाथखुआ है, और किसी नाम क्या नाम है इनका, इनका मैं नाम भूल गया हूँ। कुमार सिंह का इंडोनेशिया जनाबे ज़ैनब बिन्त अली का मजार इस मुल्क में है, इराक इराक में नहीं सीरिया, शाम सीरिया शाम, ये भी पाकिस्तानी नाथखुआ है, इसका नाम क्या है, पराड़ हूँ दरे रबी पर वगैरह वगैरह, अल्लाह अकबर, ज़ुल्फ़िकार सऊदी अरेबिया, ये नाथखुआ, ये भी वही नहीं याद आ रहा, बड़ी फसी हो बली बातें करते हैं ये, और जनाब फसी साहब बिलाल फसी जनाब फसी साहब खुद वो पूछेंगे, फसी होती है सर वर्दी है
बिलाल फसी कौन है भाई? बिलाल फसी नहीं है, गलत हो गया जवाब। ना फसी साहब। तो 30, 40, 60 और 90 ये है अब तक की सूरत हाल। आपसे शुरू करें, वैसे मैं बोलता हूँ आप मत ना हारिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ मैं, आप आ सकते हैं गेम में दोबारा। आप ये आपसे 2 सवाल आ गए, वो आपसे 5 सवाल आ गए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सो दूसरा ऑप्शन, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। बुर्ज खलीफा की तामीर 2004 में शुरू हुई है, 1910 2004 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट मुरलीधरन या राशिद लतीफ? मुरलीधरन। ठीक, मिर्जा अदीब का ताल्लुक तहरीक तरक्की पसंद तहरीक या तहरीक इंसाफ? तहरीक तरक्की पसंद। ठीक, मुस्तकर हुसैन तारड़ सफरनामे या शायरी? सफरनामा। फ्रैंकफर्ट स्पेन या जर्मनी? स्पेन। माउंट एटलस मराकश या पाकिस्तान? पाकिस्तान। ठीक, बगोटा श्रीलंका या कोलंबिया? श्रीलंका। एहदे नबवी में तामीर के लिहाज से पहला नंबर मस्जिद कुबा का है या 16वां नंबर? मस्जिद कुबा पहला नंबर। ठीक, तंबाकू में मादा ऑक्सीजन या निकोटीन? निकोटीन। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर या बहावलपुर? बहावलपुर। ठीक, जिला हरनाई सिंध या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम या 10,000? 1000 ग्राम। ठीक, कंपाला शहर शाम या युगांडा? युगांडा। दो लड़के हैं और एक लड़की है, देखें दोनों में से जीतता कौन है। दिल्ली का लाल किला तामीर करवाया शाहजहां ने या गालिब? शाहजहां। फ्रांस। पाकिस्तान के मशरक में इंडिया है या स्पेन? इंडिया। कार बनाई जर्मनी ने अमेरिका ने? अमेरिका ने। तारीखी मकाम हड़प्पा बलोचिस्तान या पंजाब? पंजाब। पंजाब। झील सैफुल मुल्क कागान या गिलगित? गिलगित। कागान। जर्मनी पर हुकूमत की 12 साल या 50 साल? 50 साल। बेगम अनारकली का मकबरा मुल्तान या लाहौर? लाहौर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी ढाका या लाहौर? लाहौर। 23 मार्च यौम दिफा या यौम पाकिस्तान? यौम पाकिस्तान। मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत शारजा या अबू धाबी? शारजा। पाकिस्तान की पहली खातून शायरा अदा जाफरी या जॉन एलिया? अदा जाफरी। अमीर खुसरो या अहमद फराज? अहमद फराज। नमाज इस्तिस्का रोजगार के लिए? मेरे भी सारे सवाल गलत से जा रहे हैं। ठीक है आपका जवाब। वो तो चलो गलत दे रही है, मैं भी जो कह रहा हूँ वो भी गलत है। अच्छा खेला है, अब देखते हैं क्या। ऑरेंज नाइट डे हैदराबाद या लाहौर? लाहौर। कुरान में सूरह दुखान यानी चींटी या धुआं? धुआं। बान की मून यूएनओ के या आईसीसी के सेक्रेटरी जनरल? यूएनओ। गवादर हिस्सा बना 1958, 1959? 1958। इंग्लैंड का कौमी खेल फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। ईसाइयों की इबादत का चर्च या मंदिर? चर्च। अक़वामे मुत्तहिदा के परचम का रंग नीला या पीला? पीला। पीला। पीला या नीला? नीला। नीला। शहजादा सऊद फैसल सऊदी अरब के शहजादे या अमान के? अमान के। लिस्बन दारुल हुकूमत है नेपाल या पुर्तगाल? पुर्तगाल। पाकिस्तान का इन दो में से बड़ा रेलवे स्टेशन मुल्तान या लाहौर? लाहौर। 1987 का वर्ल्ड कप जीता साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। आप मुकाबला जीते के हारे? जीत गए। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, गुड, वेरी वेल, आई लाइक इट। उम्मीद करता हूँ लोग आपको अच्छा लगा होगा। जाते हैं को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह नहीं मान।